नगर निगम धर्मशाला ने नए साल की पहली मासिक बैठक का आयोजन किया। मेयर देवेंद्र जग्गी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव भी पारित हुए। यहां सबसे अहम फैसला प्रॉपर्टी टैक्स के बायलॉज को लेकर किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के तहत ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए 50% की छूट के साथ PPL के दायरे में आने वाले परिवारों को हाउस टैक्स में पूरी तरह से छूट देने के साथ साथ गौशालाओं को भी इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। नगर निगम धर्मशाला में नए साल की पहली मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मेयर देवेंद्र जग्गी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव भी पारित हुए। यहां सबसे अहम फैसला प्रॉपर्टी टैक्स के बायलॉज को लेकर किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के तहत ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए 50% की छूट के साथ BPL के दायरे में आने वाले परिवारों को हाउस टैक्स में पूरी तरह से छूट देने के साथ साथ गौशालाओं को भी इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी सदन में प्रस्ताव लाए गए थे। बावजूद इससे पहले कि अन्य प्रस्तावों पर सदन में चर्चा होती, पार्षदों ने विकास कार्य में आने वाली रुकावटों को लेकर हो हल्ला करना शुरू कर दिया। माहौल इतना गर्म हो गया कि सदन के मुद्दे उनकी मुखरता के आगे मौन हो गए। दरअसल पार्षदों का आरोप था कि जब भी वो अपने इलाके की जनता के कामकाज को लेकर नगर निगम कार्यालय में आते हैं तो यहां विकास कार्य को सिरे चढ़ाने के बजाय उन्हें ही नसीहतें देने शुरू कर दी जाती हैं। पार्षदों का आरोप था कि पिछले लंबे समय से लोगों के घरों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से कई लोग अपने नए मकानों का सपना ही साकार नहीं कर पा रहे। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन निगम के कर्मचारियों के डुलमुल रवैये के चलते बीती बैठकों में तैयार किए गए एस्टीमेट और टेंडर प्रक्रियाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, उसको लेकर अब पार्षद चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए निगम के कमिश्नर प्रदीप ठाकुर को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी गई है कि अगर आगामी 9 फरवरी तक उनके काम सुचारू रूप से नहीं चले तो उनके कार्यकाल के बाहर तमाम पार्षद धरने पर बैठ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निगम में कुछ लोगों के काम हो रहे हैं और कईयों के काम लटकाने का काम हो रहा है, जिससे निगम की छवि पर भी बट्टा लग रहा है। वहीं उन्होंने लंबे अरसे से स्टाफ की कमी के चलते नक्शे पास न होने और कई विकास कार्यों के रुक जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही जग्गी ने कहा कि वो अब 4 साल हो चुके हैं, स्टाफ का रोना नहीं रोया जा सकता, विकास कार्यों को कैसे फंक लगाने हैं ये अब उन्हें अपने ही स्तर पर सोचना होगा। क्या कारण है कि जो काम नहीं हो पा रहे? आज की जो बैठक थी उसमें जो पहला हमारा इशू था वो था प्रॉपर्टी टैक्स के बायलॉज बनाने का, तो हमने वो तैयार कर दिए थे और उसमें जो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट है उनके लिए हमने 50% रेट दिया है प्रॉपर्टी टैक्स पे, और जो BPL परिवार हैं उनको भी उसमें एग्जम्प्ट किया गया है, और जो कौशल जो गौशालाएं हैं उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, ये हमने आज हाउस में अप्रूव किया है। इसके अलावा जो अगले मुद्दे थे उससे पहले ही सभी काउंसलर और सभी ने चर्चा शुरू कर दी कि जो हमारे कॉरपोरेशन में जो काम डिले हो रहे हैं, जिसका कारण जो हमारा इंजीनियरिंग विंग जो धर्मशाला में जो हमारे कॉरपोरेशन एरिया में है जो बहुत ढीला रवैया जिन्होंने अपनाया हुआ है उस पर चर्चा कर रहे थे कि एस्टिमेट प्रॉपर नहीं बन रहे हैं और टेंडर जो कि जिसकी एंडेस जो है 2 महीने पहले हो चुकी है, उसके एस्टिमेट नहीं बने, टेंडर अपलोड नहीं हुए, उस पर चर्चा हुई। और हमने कमिश्नर साहब को बता दिया है कि इस महीने की जो फेब का महीना है उसमें 9 तारीख तक अगर ये सारे काम नहीं हुए तो 10 तारीख को हम कमिश्नर साहब के ऑफिस में धरना देने के बैठ जाएंगे। और सभी पार्षदों ने चर्चा में ये लिया कि जो NOC जो NOC के लिए लोग तंग हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पटवारी नहीं है और स्टाफ भी कम है, लोगों के नक्शे पड़े हुए हैं, उस पर बार बार हमारी चर्चा हो रही है, उस पर हमने कमिश्नर साहब को बोला है कि इसको जल्दी से जल्दी जो लोगों की NOC है उनको निकाला जाए और जो नक्शे हैं जो घरों के रेजिडेंशियल नक्शे हैं उनको भी शीघ्र अतिशीघ्र पास किया जाए। देखिए जो पार्षद हैं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो लोगों के ही काम लेके आ रहे हैं और आज की चर्चा में ये कहा गया है कि जितने भी पार्षद सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में लोग अलग अलग लोगों के काम लेके आते हैं उसमें कुछ लोगों के काम हो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कुछ जो कर्मचारी हैं जिनका जो जिनके काम के प्रति जिनका रवैया नेगेटिव है उनके कारण जो कॉरपोरेशन का
बाकी स्टाफ काम नहीं कर पा रहा है या काउंसलर्स के या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं उस पर चर्चा की गई।